सो हेलो एंड वेलकम माय गाइस, तुम लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एक्वा अमिताभ में। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब गाइस मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग कैसे लो कॉस्ट में एक अच्छा सा 3 फीट का टैंक बनाओगे। यहाँ पर देखो गाइस, ये जो फ्रिज का अंदर का पोर्शन है, ये मैं एक कबाड़ी वाला से गाइस 50 रुपये में खरीद लाया हूँ, तो इस बहुत ही सस्ते में पड़ा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत सारा मैल, अभी देखो बहुत सारा छेद है। तो मैं इसको कैसे टैंक में पूरा फिश टैंक में सेटअप कर, तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं इसको पूरा धो लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही मैल है इसमें। तो गाइस अभी देखो, इसमें उसको पूरा धो लिया, अभी इसमें मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना सारा छेद है। यहाँ पर बड़ा बड़ा साइज का गाइस छेद है, अभी इसको हम लोगों को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसमें तो फिश को ब्रीड करेंगे, तो इसको फिल से फिल करना पड़ेगा। तो देखो गाइस कितना सारा छेद है, यहाँ पर क्रैक है बहुत सारा। तो गाइस इसको हम लोग जो क्रैक को फिनिश करने बंद करने के लिए गाइस हम लोग यूज़ कर लेंगे एम सील। तो देखो गाइस ये एम सील का पैकेट है, ये मार्केट में तुम लोग को गाइस 10 रुपये में मिल जाएगा, 10 रुपये का है, 30 रुपये का एक है। तो गाइस इसमें दो तरह का जो पैकेट है मिलेगा, और दोनों पैकेट के अंदर से गाइस एक ग्रीन टाइप का और एक ब्लैक टाइप का, दोनों टाइप का क्रीमी टाइप चीज़ निकलेगा। उन दोनों को गाइस तुम लोग को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखो गाइस यहाँ पर ग्रीनिश टाइप की एक पैक क्रीम टाइप है, और एक जो पैकेट है उसके अंदर गाइस ब्लैक टाइप का चीज़ है, क्रीम टाइप है। तो गाइस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग इसमें इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको छोटे छोटे पीस करना पड़ेगा। तो गाइस कैसे अच्छे से मिक्स कर रहा हो गाइस, जब तक गाइस ये पूरा ब्लैक नहीं हो जाता तब तक मिक्स करते रहो। ये देखो गाइस पूरा काला जैसा हो गया है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे, छोटे छोटे पीस करके जहाँ पर छेद है गाइस तुम लोगों को वहाँ पर लगा देना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस मुझे तो जो मेरे यहाँ पर क्रैक था, मुझे 3 पैकेट की ज़रूरत पड़ा है, तो 30 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा है मुझे वहाँ पर। तो गाइस तुम लोगों का जितना रिक्वायर है उसके अंदर जैसे तुम लोगों को ख़रीदना पड़ेगा एम सील। मेरे तो गाइस 3 पैकेट में हो गया था। अभी गाइस तुम लोगों पर अगर टैंक का जो क्रैक और छेद ज़्यादा है तो तुम लोग ज़्यादा लगेगा, और कम है तो कम लगेगा। तो गाइस यहाँ पर देखो मैंने पूरा सा अच्छे से फिक्स कर रहा हूँ, कि यहाँ पर प्रॉपर गाइस पेशा से देना, क्योंकि यहाँ पर अगर ठीक से नहीं दोगे तो ये लीकेज होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ पर देखो गाइस मैं जितना सारा छेद था और साइड पर जितना भी क्रैक था मैं सबको एम सील से फिक्स कर दिया हूँ। यहाँ पर 3 पैकेट मुझे ज़रूरत पड़ा था गाइस, यहाँ पर देखो नीचे साइड पर जितनी भी जगह था गाइस मैं इसको फिक्स कर दिया हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें पानी दे के छोड़ देंगे अगले दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कुछ लीकेज बाकी है कि नहीं। अगर लीकेज हो तो मैं हम लोग उसके ज़रूरत से वो भी करेंगे। तो गाइस इसको हम लोग आज रात पानी दे के छोड़ देंगे। तो गाइस नेक्स्ट डे जब उठा मैं, देखो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पानी थोड़ा सा कम हो गया, तो लीकेज होना शुरू हो गया था मेरे यहाँ पर टैंक में। पानी अभी तक है लेकिन लीकेज हुआ है। देखो गाइस यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो नीचे से पानी निकल रहा है, यहाँ पर देखो पानी निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इसको भी सोल्यूशन मैं तुम लोगों को बताऊँगा, तुम लोग कैसे इसको सोल्यूशन करोगे। तो लीकेज का प्रॉब्लम हो तो गाइस तुम लोग कैसे सोल्यूशन करो वो भी मैं दिखाता हूँ गाइस तुम लोगों को। तो सिंपल से सोल्यूशन है गाइस, इसको पूरा पेंट कर दो, पानी को निकल कर पूरा पेंट कर दो अच्छे से। पेंट कर देने के बाद जो छेद था वो सब ढक जाएगा और तुम्हारा पानी नहीं निकलेगा। और यहाँ पर देखो गाइस मैं इसको दो टाइप के डिवाइड कर दिया हूँ। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, दो साइड में तुम लोग दो टाइप के फिश रख सकोगे। सो गाइस वीडियो यहाँ तक था गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए ऐसे औसम वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो मेरे पास और एक भी छोटा सा 2 फीट का टैंक है, इसमें गाइस मेरा को कोई पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा एम सील लगाने से ही इसका जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। तो मुझे कोई यहाँ पर कोई भी पेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो गाइस तुम लोग ही देखो यहाँ पर, देखो गाइस मैं जो यहाँ पर मेरा 3 फीट का टैंक है गाइस वो 150 रुपये में पूरा कंप्लीट हो गया। कितना सुंदर टैंक मेरा क्रिएट हुआ है, 150 रुपये गाइस पूरा तुम्हारा टैंक सेटअप हो गया 3 फीट का। तो गाइस ऐसे ही वीडियो को अगर तुम लोग देखना चाहते हो गाइस तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तुम लोगों को ज़रूर उसके रिप्लाई देकर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए।